ओके, गुड आफ्टरनून गाइस। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने यूनिट 5 स्टार्ट किया था, सो विल कंटिन्यू विद दैट यूनिट ओनली। So I'll just share my screen. Okay. So as we can see, we have cartographic data analysis. Cartographic का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम लोग क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव नेचर का डेटा जो है वो बताते हैं। एंड कार्टोग्राफर कौन रहता है? जो मैप बनाता है, बराबर है। सो एज यू कैन सी, डेटा विल बी ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव नेचर। अ क्वांटिटेटिव डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल और कार्टोग्राफिकल डेटा, एंड दिस डेटा एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट नेम्ड वैल्यू विदाउट अ नेचुरल ऑर्डर अमंग्स द वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक वी हैव इंग्लिश या कोई दूसरा जो लैंग्वेज है, तो अगर मैं बता रहा हूँ कि ओके कौन से हम लोग के स्टेट्स है जिसमें कौन से अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं, सो वहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स आएंगे जिसमें अलग अलग लैंग्वेज वाले के बहुत सारे अलग अलग लोग रहेंगे, स्पेशली मुंबई, दिल्ली, पूना, बैंगलोर। यहाँ पे आपको अलग अलग लैंग्वेजेस वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। देन नेक्स्ट वी हैव इज क्वालिटेटिव डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिनरी इंसाइट सच एज सॉइल क्लासिफिकेशन। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके वी हैव गुजरात या फिर वी हैव महाराष्ट्र, एंड महाराष्ट्र के आजू बाजू वाले हम लोग के जो सर्टन स्टेट्स है, दैट इज लेट्स सपोज इफ आई से एमपी है, सो यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलता है स्पेशली, और उसमें हम लोग जो कॉटन कल्टीवेशन है वो हम लोग करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वी हैव अ क्लासिफिकेशन, सॉइल क्लासिफिकेशन, या फिर इफ आई से कि हम लोग का नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो कोई एक रेंज में रहता है यहाँ पे, है ना। तो दिस आर द जियोग्राफिकल यूनिट्स, होमोजीनियस एरियाज रहेंगे एसोसिएटेड विद सिंगल सॉइल टाइप या ऑन बेस्ड ऑन सम सॉइल क्लासिफिकेशन या बेस्ड ऑन टेम्परेचर वेरिएशन हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो दैट इज द क्वालिटेटिव डेटा। देन क्वांटिटेटिव डेटा क्या बोला है? क्वांटिटेटिव डेटा कैन बी मेजर्ड आई थिंक आइदर अलोंग अ इंटरवल और अ रेशियो। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके वी हैव माइग्रेशन, हाउ मेनी पीपल आर बेसिकली माइग्रेटेड टू इंडिया, सॉरी फ्रॉम इन मुंबई फ्रॉम विलेज, या माइग्रेशन विच इज हैपनिंग फ्रॉम विलेज टू सिटी साइड, या ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक फ्रॉम सिटी एरियाज टू विलेज साइड, वो माइग्रेशन हम लोग बता रहे हैं ऑन अ इक्वल इंटरवल, दैट इज ऑन मंथली बेसिस और ऑन क्वार्टरली बेसिस और ऑन ईयरली बेसिस, है ना। वो हम लोग रेशियो बता सकते हैं। सो वी कैन डिफाइन अ रेशियो और वी कैन डिफाइन अ नंबर्स, अप्रोक्स नंबर्स हम लोग रेशियो वे में बताएंगे कि ओके टोटल हम लोग के पास सपोज 1 लाख पॉपुलेशन था इन मुंबई, हु आर माइग्रेंट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, जो लॉकडाउन में उसमें से 80% जो है वो वापस अपने प्लेस पे या अपने लोकेशन पे चले गए। सो फॉर डेटा मेजर्ड ऑन इंटरवल स्केल द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन द वैल्यू इज नोन, बट देर इज नो एब्सोल्यूट जीरो ऑन द स्केल। नाउ द टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल वी हैव 40, नॉट ट्वाइस एज वार्म एज 20 डिग्री, एंड जीरो इज नॉट एज एब्सोल्यूट एज जीरो। सो 0 डिग्री अगर मैं बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पे एग्जैक्ट 0 डिग्री टेम्परेचर आएगा, मतलब अप्रोक्स वी हैव 0 डिग्री टेम्परेचर एट दैट प्लेस। इफ आई से कि मुंबई में द ओवरऑल टेम्परेचर रिमेन्स बिटवीन 30 डिग्री अप्रोक्स, सो इट डजेंट मीन्स कि हर एक लोकेशन पे यू विल फाइंड द सेम टेम्परेचर, अप्रोक्स है ये, मतलब मैक्सिमम आपको ये टेम्परेचर मिलेगा। नाइट टाइम पे वो टेम्परेचर अलग रहेगा, अर्ली मॉर्निंग में दिस टेम्परेचर माइट बी अप टू 25 डिग्री, एंड आफ्टरनून में दिस माइट गो अप टू 35 to 38 डिग्री एज वेल, है ना। सो दिस इज द अप्रोक्स टेम्परेचर, जो मैक्सिमम आपके जो 24 आवर्स है उसमें से मैक्सिमम टाइम तक जो टेम्परेचर रहता है वो हम लोग यहाँ पे मैंशन कर रहे हैं। देन नेक्स्ट वी हैव क्वान्टिटेटिव डेटा विद इन द रेशियो स्केल दैट इज नॉट नोन अबाउट द एब्सोल्यूट जीरो। फॉर एग्जाम्पल इज द इनकम, समवन अर्निंग $100 earns twice as much someone with an income of $50. So हम लोग क्या बोल रहे हैं, there are some जैसे हम लोग इंडिया में, if you know कि हम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन BPL families identify करते हैं, अपर मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास,
ये हम लोग का क्लासिफिकेशन होता है एंड बेस्ड ऑन दिस कैटेगराइजेशन और बेस्ड ऑन दिस क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स देम सम और द अदर बेनिफिट्स. सो वो आपका क्वांटिटेटिव डेटा हो गया. नेक्स्ट वी हैव इन ऑर्डर टू जनरेट मैप्स क्वांटिटेटिव डेटा और ऑफन क्लासिफाइड. तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी हैव एमपी यूपी बिहार वेयर मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कमिंग फ्रॉम बीपीएल फैमिली दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन. जिनका सपोज इफ आई से कि ईयरली जो हाउस होल्ड इनकम है इट इज लेस देन 2 लाख और 2.5 लाख व्हाट एवर द क्राइटेरिया में भी. सो ये हम लोग क्लासिफिकेशन या ये कैटेगराइजेशन जो है वो हम लोग वहां पे ऐड कर रहे हैं बेस्ड ऑन विच वी कैन आइडेंटिफाई कि कहाँ पे आपको गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है टू हेल्प पुअर पीपल वो आपको कहाँ पे ज्यादा चलाने की जरूरत है, कहाँ पे ज्यादा रिलीफ पैकेज देने की जरूरत है, कहाँ पे फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा चलाने की जरूरत है, ये सब हम लोग को यहाँ से पता चलेगा. सो इन बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा वन कैन डिस्टिंग्विश ऑर्डिनल डेटा. दिस डेटा आर मेजर्ड अलोंग द रिलेटिव स्केल बेस्ड ऑन हायरार्कीज. फॉर इंस्टेंस वन नोन दैट द वैल्यू इज मोर देन वन अनदर सच एज वार्म वर्सेस कूल. सो हम लोग को पता है कि कहाँ पे गर्मी ज्यादा है कहाँ पे ठंडी ज्यादा हो सकता है. सो अनदर एग्जाम्पल हायरार्की ऑफ रोड टाइप्स. जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके वी वॉन्ट टू आइडेंटिफाई कि हम लोग के पास जो हाईवे है नेशनल हाईवेज है विच आर कनेक्टिंग डिफरेंट स्टेट्स सो वो कौन से है. तो अगर हम लोग सिर्फ इफ यू आर डिफाइनिंग और इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ रूट. जैसे यहाँ से अगर हम लोग को पुणे जाना है यहाँ से गुजरात जाना है और फ्रॉम हियर वी सपोज वी वॉन्ट टू गो टू गोवा तो विच आर द बेस्ट रूट्स अवेलेबल और कौन से रोड्स अवेलेबल है. तो हम लोग हाईवे से जाए मेन रोड हम लोग पकड़े या फिर सेकेंडरी कोई रोड अवेलेबल है सर्विस रोड अवेलेबल है ट्रैकिंग के लिए कौन से प्लेसेस अवेलेबल है ना. दिस आर द हायरार्की जो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा और वो आपका यहाँ पे समरी किया हुआ है. नॉमिनल डेटा कैटेगोरिकल डेटा रहेगा लाइक डेटा ऑफ डिफरेंट नेचर आइडेंटिटी ऑफ थिंग्स है ना वो आएगा. देन वी हैव ऑर्डिनल डेटा लाइक डेटा विद अ क्लियर एलिमेंट ऑफ ऑर्डर दो नॉट क्वांटिटेटिवली डिटरमाइंड दैट इज ऑर्डर्ड. देन इंटरवल डेटा एंड रेशियो डेटा ये मैंने आपको सब एक्सप्लेन किया उसका ये बेसिक समरी है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब अगर आप MCQs की बात करें. सो दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड. सो मेक श्योर कि आप एक बार इसको पढ़ ले. सिंबोलॉजी सिंबल्स वॉट वी यूज ठीक है. सो वी यूज डिफरेंट टेक्सचर सिंबल डिफरेंट कलर्स जैसे इफ आई वॉन्ट टू डिस्प्ले की इंडिया में कौन से स्टेट्स में ह्यूमिडिटी कितना कम या ज्यादा है या टेम्परेचर कितना कम या ज्यादा है. सो कश्मीर साइड इफ आई डिस्प्ले दोज प्लेसेस इन ब्लू कलर एंड साउथ इंडिया या फिर एमपी बिहार या वो सर्टन स्टेट जो है आई विल डिस्प्ले इट इन पिंक या थोड़ा रेड टाइप कलर में जहाँ पे टेम्परेचर इज क्वाइट हाई. सो दैट इज वन थिंग जहाँ पे आपको देख के वी कैन इजिली आइडेंटिफाई कि बेस्ड ऑन द कलर जैसे जैसे कलर लाइट होते जाएगा रेड टू ब्लू होते जाएगा वैसे टेम्परेचर भी आपका कम होते जाएगा. सो बेसिक एलिमेंट्स आर देयर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ मैप इन रिस्पेक्टिव ऑफ मीडियम ऑन विच इट इज डिस्प्लेड आर पॉइंट सिंबल्स लाइन सिंबल्स एरिया सिंबल्स. सो कोई एक एरिया को हम लोग कोई एक स्पेसिफिक वे में डिफाइन कर सकते हैं. रोड के लिए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे अलग वे में डिफाइन कर सकते हैं. लिंक रोड वी कैन डिफाइन इन डिफरेंट वे. एसयू रोड वी कैन डिफाइन इन डिफरेंट वे ऑन मैप्स. वी कैन यूज डिफरेंट पॉइंट्स लाइक फॉर टेम्पल्स वी कैन यूज सच सिंबल. फॉर जो हम लोगों के हॉस्पिटल्स या मेडिकल होते हैं उनके लिए वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ प्लस सिंबल. देन फॉर एजुकेशनल साइट्स वी कैन यूज सम अदर सिंबल्स. सो दोज आर द पॉइंट्स और डिफरेंट सिंबल्स विच वी आर यूजिंग. सो ये आपके सिंबल्स जो है दे आर वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर. नाउ इन 1967 एक कार्टोग्राफर था मैप बनाने वाला था फ्रेंच कार्टोग्राफर था बर्टिन डेवलप्ड अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ द थियरी ऑफ मैप डिजाइन. क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई एक जो साइन जो है इट शुड बी लाइक दिस. लाइक अगर चर्च है सो चर्च के ऊपर जो क्रॉस सिंबल है वो आना चाहिए सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टूड कि ओके यहाँ पे चर्च है ना. इट शुड बी लाइक दिस. सो बर्टिन जो है डिस्टिंग्विश सिक्स कैटेगरीज विच ही कॉल्ड द विजुअल वेरिएबल्स एंड विच मे बी अप्लाइड टू पॉइंट लाइन एंड एरिया और अ पॉलीगॉन सिंबल्स. लाइक विजुअल वेरिएबल्स कौन से रहेंगे साइज वैल्यू लाइटनेस टेक्सचर
टेक्सचर मतलब अलग अलग शेड्स या कलर्स जो हम लोग यूज करते हैं, ओरिएंटेशन हाउ वी डिफाइन समथिंग एंड डिफरेंट शेप्स विच वी विल बी यूजिंग टू डिस्प्ले सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. सो यहाँ पे आपको अलग अलग सिंबल्स दिए हुए हैं पॉइंट लाइन एरिया पॉलीगॉन के लिए. सो एज इट इज गिवन साइज है, लाइन है, एरिया है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड हियर. सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. सो आपको क्या साइज में बताना है, क्या वैल्यू बताना है, ग्रेन्स बताने हैं, कलर्स बताने हैं, ओरिएंटेशन बताने, एवरीथिंग कैन बी विजिबल फ्रॉम हियर. सो विजुअल वेरिएबल्स, एज यू कैन सी, विजुअल वेरिएबल कैन बी यूज्ड टू मेक वन सिंबल डिफरेंट फ्रॉम अनदर वन. Like in doing this, map maker in principle have free choices, providing they do not violate the rules of cartographic grammar. मतलब आप कोई भी अलग अलग symbols जो है वो use कर सकते हैं. But as we know, red color cannot be used for defining कि okay यहाँ पे temperature zero में है या below zero है. And blue color cannot define for where a temperature is above 50 degree or something. Because ये आपके normal colors है. Red का मतलब है कि जहाँ पे heat ज़्यादा है. Blue का मतलब है जहाँ पे heat कम है. और टेम्परेचर इज गोइंग डाउन एंड डाउन. सो वो जो है ना, ये आपके बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स है जो स्टैंडर्ड है कि हम लोग हर जगह पे यही सेम पैटर्न यूज करते हैं. देन समटाइम्स वी यूज स्केल, बराबर है, वी यूज स्केल ऑन आर मैप. तो वो स्केल भी प्रॉपर होने चाहिए, जो स्टैंडर्ड पैटर्न है वो आपको फॉलो करना है. सो देर आर सम बेसिक रूल्स और स्टैंडर्ड वो आपको फॉलो करना है. दे डू नॉट हैव दैट चॉइस व्हेन डिसाइडिंग वेयर टू लोकेट द सिंबल्स. ये बहुत जरूरी है. सिंबल शुड बी देयर ऑन दैट स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट पोजीशन ओनली. सो अगर मैं बोरीवली पे अगर रेलवे स्टेशन है तो इसका सिंबल मैं और कहीं पे नहीं रख सकता. इट शुड बी देयर ओनली. सो दिस इज द बेसिक ग्रामर. द सिंबल शुड बी लोकेटेड वेयर फीचर बिलोंग्स, है ना. आई कैन नॉट जस्ट प्रोवाइड वन इंडेक्स हियर स्टेटिंग कि ओके दिस इज अ रेलवे का सिंबल विच विल बी जहां पे भी मैप पे रेड कलर है वहां पे रेलवे है. And there you can find this symbol. तो अब ये ऐसा नहीं कर सकता. This is quite difficult for anyone to interpret that map. So visual variables influence the map user perception in different ways. What is the perceived dependence on the human capacity to see or perceive? For example, what is the equal importance? For example, all red symbols are represented as danger. Then order. For example, a population density varies from low to high. Represents the light color to dark color. है ना, ये एक symbol. एक सिंपल साइकोलॉजी है. सो इफ आई से समवेयर अ कलर इज लाइट, वहां पे पॉपुलेशन कम है. एंड एज द शेड ऑफ कलर गेट्स डार्कर एंड डार्कर, वहां पे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है. सेम गोज विद टेम्परेचर, सेम गोज विद सम अदर कंपेरिजन्स जहां पे हम लोग ये सिमिलर शेड्स यूज करते हैं. देन क्वांटिटेटिव सिंबल चेंजिंग इन साइज विद स्मॉल सिंबल्स टू with some small to large symbols. Like here, as you can see, I can use this symbol for small population, this symbol for very large population, this symbol for medium population, है ना. या फिर ये वे में हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर ये पैटर्न हम लोग कहीं पे वो एरिया के कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट चीजें अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये फिर ऐसे कलर्स हम लोग यूज करते हैं. So as you can see, there is an obvious relation between the nature of the data to be mapped and the perception property of visual variables. So as you can see, the measurement of the scale like to be visual variable based on perception property. Like perception property में आपको यहाँ पे क्या दिया है, order of the quantity and size. So nominal है, ordinal है, वो हम लोग बताएंगे. Interval based पे बता रहे हैं और ratio भी use कर रहे हैं हम लोग. That's what we are showing. Then order, कौन से order में हम लोग बता रहे हैं, gray. टेक्सचर पैटर्न यूज कर रहे हैं. नॉमिनल डेटा है या ऑर्डिनल डेटा है. ओके, सो ग्रे कलर, ग्रे वैल्यू भी यूज करेंगे एंड टेक्सचर वैल्यू भी यूज करेंगे फॉर बोथ इंटरवल एज वेल एज ऑर्डिनल डेटा. देन इक्वल इंपॉर्टेंस टू कलर ह्यू. कलर ह्यू का मतलब क्या है, जहां पे हम लोग पैटर्न बता रहे हैं, जहां पे हम लोग उसका कलर का इंटीग्रिटी बढ़ा रहे हैं. जैसे सीजी में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर इंटीग्रिटी हम लोग अगर कोई ऑब्जेक्ट का बढ़ाएंगे तो उसका ब्राइटनेस बढ़ता है. जैसे हम लोग किसी को फोटो में अगर गोरा करते हैं, मीन्स आई एम इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो इंटेंसिटी जैसे बढ़ेगा, इंटीग्रिटी नहीं, इंटेंसिटी. सो इंटेंसिटी जैसे बढ़ेगा वो ऑब्जेक्ट जो है वो ब्राइट होते जाएगा. सो यहाँ पे हम लोग वो कलर ह्यू यूज कर सकते हैं. तो जो प्लेसेस को हम लोग ब्राइट कलर में बताएंगे, जिसका इंटीग्रिटी हम लोग इंक्रीज करेंगे, वहां पे हम लोग को एक स्पेसिफिक वे बता सकते हैं. लाइक यहाँ पे एकदम डार्क रेड है, सो यहाँ पे आपका टेम्परेचर इज वेरी हाई, टेम्परेचर इज हाई. एंड यहाँ पे लाइट ब्लू है, लाइट ब्लू इज हियर.
बराबर है, ब्राइटनेस बढ़ गया, इंटेंसिटी कलर में इंटेंसिटी बढ़ गया, या फिर डार्क रेड से हम लोग लाइट रेड पे आ रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, वाइट वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वो जो भी कलर है उसमें, तो उसका मतलब क्या होगा, कलर यू बढ़ रहा है, ब्राइटनेस बढ़ रहा है। ओरिएंटेशन कैसे बताएंगे, कौन से कोई स्पेसिफिक शेप्स अगर हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर डिस्प्लेइंग सम बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो सब पॉइंट्स यहाँ पे रहेंगे। ओके, सो हाउ टू मैप डील विद द कैरेक्टरिस्टिक्स मैपिंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कार्टोग्राफिक रूल्स, लाइक हाउ टू मैप क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा, वो हम लोग बता रहे हैं। सो हाउ टू मैप क्वालिटेटिव डेटा इज अ गुड एग्जाम्पल, मैप रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टेट्स इन नेदरलैंड विद वाटर शेड्स, then geographic units in the map will have to be present the individual watersheds, in such a map each of the watershed should be get equal attention and none should stand out of the other, so kahan pe water bodies hai, kahan pe water scarcity hai, ye kuch hum log bata sakte hai, pehle bhi hum logon ne padha hua hai, so as you can see in such map each of the watersheds should get equal attention and none should stand out above the other, क्योंकि हर जगह पे वाटर शेड्स है। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ कलर वुड बी द बेस्ट सॉल्यूशन सिंस इट अलाउज वन टू क्विकली डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट जियोग्राफिक यूनिट्स, मतलब आई कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ओके दिस इज स्टेट वन एंड दिस इज स्टेट टू, या दिस इज वाटर बॉडी वन एंड दिस इज वाटर बॉडी टू, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, एंड आई कैन से कि ओके अगर कोई एक ही वाटर बॉडी के या एक ही कोई स्टेट के अगर दो पार्ट्स है तो आई कैन से दिस इज 5.1 एंड दिस इज 5.2, व्हाई, बिकॉज वी आर यूजिंग द सेम कलर हियर, या दोनों में कोई कॉमन फीचर्स रहेंगे, ये हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट हाउएवर सिंस नन ऑफ द वाटर शेड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द अदर, द कलर्स शुड हैव टू बी इक्वल विजुअल वेटेज और अ ब्राइटनेस, सिंपल है। सो एज यू कैन सी हियर द कलर एंड ब्राइटनेस बोथ आर सेम, मतलब द प्रॉपर्टीज आर सेम फॉर दिस प्लेस। नाउ मैप कैन ऑल्सो बी मेड बाय फिलिंग द वॉटरशेड एरियाज बाय डिफरेंट फॉर्म्स लाइक स्मॉल सर्कल, सर्कल, ट्राइंगल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यहाँ पे आपको सेम फिगर दिया हुआ, हियर ऑल्सो वी हैव प्रोवाइडेड वन बैड एग्जाम्पल। अब यहाँ पे बैड एग्जाम्पल कैसे है, इन फिगर ए दैट इज दिस फिगर, What we are saying, several tint of blacks are used. तो हर जगह पे ब्लैक कलर हम लोग यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो लाइन जो स्टेट का पास हो रहा है, फिर भी हम लोगों ने दूसरे इसमें भी ब्लैक कलर ही यूज किया है। सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू वाटर बॉडीज और बिटवीन टू स्टेट्स और टू बाउंड्रीज। सो एज यू कैन सी विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफी पुअर है यहाँ पे। सो लुकिंग एट द मैप मे कॉज परसेप्चुअल कंफ्यूजन सिंस द मैप इमेज सजेस्ट डिफरेंसेज इन द इम्पोर्टेंस दैट आर नॉट इन रियालिटी, है ना। तो यहाँ पे कौन से वाटर बॉडीज में क्या सिमिलरिटी है या डिफरेंस है वो पता नहीं चल रहा है। Now, if we notice figure B, that is this one, बराबर है। So यहाँ पे क्या बोल रहे, color are used instead. However, where most watershed are represented in pastel tint, and one of them stands out by its bright color, this gives the map an unbalanced look. मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है, we have very dark color here, that is red color. मतलब यहाँ पे ऐसा लगेगा कि ओके वाटर बहुत ज्यादा है या उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और बाकी जगह पे हम लोगों ने बहुत लाइट शेड यूज किए। सो दिस इज ऑल्सो नॉट गिव अ प्रॉपर एग्जाम प्रॉपर क्लैरिटी ऑन वाटर बॉडीज या वाटर शेड। सो व्यूअर्स आई विल बी डिस्ट्रैक्टेड बाय द ब्राइट कलर लाइक दिस रेड वन और बाकी सब एरियाज को भूल जाएगा, ही विल थिंक कि ओके यहाँ पे ही वाटर क्वांटिटी सबसे ज्यादा है या बेस्ट है, रिजल्टिंग इन अनजस्टिफाइड वीकर अटेंशन टू द एरिया। सो आपको सेम कलर्स जो है वो सब जगह पे यूज करने हैं, जैसे ये मैप है, सो वी आर यूजिंग सेम लेवल ऑफ कलर, ठीक है, सेम लेवल ऑफ कलर, कोई हम लोगों ने बहुत ब्राइट या बहुत लाइट यूज नहीं किया है, बिकॉज इफ यू यूज अ वेरी डार्क कलर और वेरी लाइट कलर तो आपका अटेंशन सिर्फ वहां पे जाएगा और बाकी के एरियाज विल बी मिस्ड आउट ऑन। सो आपको सारे जो कलर्स है उसका इंटेंसिटी जो है वो सेम रखना है, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिफाइन यू। नाउ क्वांटिटेटिव डेटा, एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग छोटे पॉइंट्स बता रहे हैं, बड़े स्क्वायर्स है। सो इफ वी नोटिस हियर एट दिस पॉइंट, एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा स्क्वायर बताया है ना, एंड यहाँ पे हम लोग एक थोड़ा बड़ा स्क्वायर बता रहे हैं। ओके यहाँ पे हम लोग थोड़ा बड़ा स्क्वायर बता रहे हैं, यहाँ पे उससे थोड़ा छोटा है। सो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो एक छोटा सा डॉट ही है सिर्फ, देन अगेन हियर वी हैव अ मैक्सिमम। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज इंफॉर्मेशन विच प्रोवाइड्स अबाउट द कोविड, बराबर है,
सो कोविड के बारे में अगर ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सो वी कैन से कि ओके आउट ऑफ ऑल दिस एरियाज विच आर मोस्ट अफेक्टेड एरियाज, तो जहाँ पे ये सर्कल बड़े है दोज आर द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज, जहाँ पे ये छोटे छोटे डॉट्स है जैसे यहाँ पे, सो दिस इज लीस्ट अफेक्टेड एरिया, यहाँ पे पेशेंट्स जो है या इन्फेक्शन जो है वो बहुत कंट्रोल्ड वे में, और ये जो एरियाज है हम लोगों के, दिस ऑल एरियाज यहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है. सो यहाँ पे वही है, गवर्नमेंट आज के टाइम पे इफ दे आर पुटिंग लॉकडाउन एट सम प्लेसेस, सो दे विल जस्ट टेक द हेल्प ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ मैप्स, जहाँ पे हम लोग कौन से एरिया में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा या कम है, वी कैन रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ सच डॉट पैटर्न. सो वेन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ सेंसस वन वुड लाइक टू क्रिएट अ मैप विद द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ईच म्यूनिसिपैलिटी, वन डील विद द एब्सोल्यूट क्वांटिटेटिव डेटा लाइक जियोग्राफिक यूनिट्स विल लॉजिकली बी द म्यूनिसिपैलिटीज. The final map should allow users to determine the amount per municipality. Municipality is also offer a overview of this. To reach this objective, symbol used should have quantitative perception of the property. Like हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? We are using symbols varying from the sizes. तो ये size जहाँ पे बड़े हैं, वहाँ पे कोई एक बड़ा quantity हम लोग represent कर रहे हैं. And जहाँ पे ये symbol जो है, circle जो है, वो छोटा है, वहाँ पे हम लोग small quantity represent कर रहे हैं. So here a smallest quantity and here we have the largest quantity of anything. It might be about disease, it might be about population, it might be about literacy, anything. So yahan pe hum log dekhenge, this is how with the help of different color or shades we can also represents quantitative information. So yahan pe hum log bata rahe ki kitne inhabitants hai per square meter. So, यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं, number now shows a clear relation with the area they represents, like value have been displayed the density from low to high, and the map reader will automatically are in a glance to associate the dark color with high density. I can say high density of population, मतलब ये areas जो है यहाँ पे population बहुत ज्यादा है, यहाँ पे population is very less. Again this place यहाँ पे so we can easily identify कि population कहाँ पे ज़्यादा है. तो अगर आपको कहीं पे vaccination camps अगर लगाना है तो हाँ बोलो सर, इसमें dark दो टाइप का, एक brown और red, तो कौन सा वाला consider करेंगे? हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, this is the lightest color, ये उससे थोड़ा dark है, ये उससे dark है, and maroon is the darkest one. ठीक है, सो मरून जो है ये सबसे डार्क है, मतलब वहां पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है. सपोज इफ आई से कि जो मरून एरियाज है वहां पे पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 2 लाख, देन जो रेड एरियाज है यहाँ पे पॉपुलेशन माइट बी 1.5 लाख, देन जो ये पिंक टाइप में है वहां पे पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 1 लाख, ओके, एंड ये जो है यहाँ पे पॉपुलेशन इज लेस देन 50,000. दिस इज द पैटर्न विच वी कैन फॉलो. सो जो हाईएस्ट डेंसिटी वाला जो एरिया है वो कौन सा है, मरून वाला है, उससे कम डेंसिटी रेड में, और उससे कम डेंसिटी ये पिंक वाले एरियाज में, और उससे कम डेंसिटी इज दिस ये जो एकदम व्हाइट टाइप के एरिया है इसमें. ठीक है, एनी डाउट फॉर दिस? यहाँ पे देखो आपको ये सेम चीज यहाँ पे भी दिया है ना, दिस इज द स्केल जो हम लोग हमेशा मैप में बनाते हैं. क्लियर है, एनी डाउट? ओके, तो यहाँ पे देखो आपको नेक्स्ट सेम चीज दिया हुआ है. अब यहाँ पे क्या है, प्रीवियस मैप में हम लोगों ने स्केल दिया था, और वो स्केल में बताया कि इफ वी आर यूजिंग दिस व्हाइट कलर डेंसिटी जो है वो कम है, उससे थोड़ा डार्क कलर यूज करेंगे डेंसिटी बढ़ गया, देन रेड कलर यूज करेंगे और डेंसिटी बढ़ गया, और मरून टाइप अगर कलर यूज करेंगे ये वो हाइएस्ट डेंसिटी अवेलेबल है. सो वी आर यूजिंग 4 डिफरेंट कलर्स ऑफ सिमिलर शेड, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने रेड के बाद डायरेक्ट ब्लू यूज किया, नहीं, हम लोगों ने मरून टाइप कलर लिया, उससे थोड़ा लाइट रेड आएगा, उससे थोड़ा लाइट पिंक आएगा, और पिंक के बाद डायरेक्टली फिर ये ऑफ व्हाइट आएगा. ठीक है, तो वो सेम शेड्स कुछ हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अब आप सेम क्वांटिटेटिव डेटा यहाँ पे सॉरी क्वालिटेटिव डेटा हम लोग यहाँ पे बनता है, बराबर है? So, यहाँ पे बोले क्या बोल रहा है हम लोगों को, डिफरेंट टिंग्स ऑफ ग्रीन हैव बीन यूज्ड टू रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट पॉपुलेशन नंबर्स. अब हाउ कैन यू जज पॉपुलेशन व्हेन वी डोंट हैव एनी स्केल रिप्रेजेंटेड हियर, एंड कौन से शेड्स आप यूज कर रहे हैं कौन सा चीज बताने के लिए. द रीडर माइट गेट अ रीजनेबल इम्प्रेशन दैट द इंडिविजुअल अमाउंट्स बट नॉट द एक्चुअल जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ओके ये जो व्हाइट कलर है, If I write white color,
where population is less than 50,000, then I'll say ये वाला जो color है that is light green. Population is greater than 1 lakh. यहाँ पे greater than 50,000 है, less than नहीं है, sorry. Then normal green color अगर है, so we have population which is greater than 1.5 lakh. And dark green जो है, ठीक है, dark green color, where population is greater than 2 lakh. So ये आपका ये scale है. अगर आप ये भी provide करेंगे with color, we can easily identify, we can easily judge कि कहाँ पे कौन से locations पे क्या population रहेगा. So जैसा ये अगर मैंने ऐसा कोई एक scale आपको represent दिया है, then you can easily judge. Now this map is understood, one can easily get the information from this map. बराबर है, बट अगर ये सिर्फ यही कलर दिए है, देन इमेजिन द स्मॉल नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स. अब ये तो पॉसिबल नहीं है, बराबर है. लाइक एज यू कैन सी, इफ आई से कि इतने से एरिया में भी डार्क ग्रीन है, डार्क ग्रीन में हम लोगों ने क्या बोला, देन 2 लाख है. अब आई विल से कि इतने बड़ा एरिया जो इससे 2 to 3 times बड़ा है, इफ वी नोटिस, इफ वी कंपेयर दिस टू एरियाज. सो अगर दोनों में मैं बोल रहा हूँ ग्रेटर देन 2 लाख पॉपुलेशन है, तो मतलब ये कुछ इंफॉर्मेशन ही मैं रॉन्ग प्रोवाइड कर रहा हूँ. एंड ये इससे भी बड़ा एरिया ये वाला है. अब इसमें अगर मैं बोल रहा हूँ कि वी हैव पॉपुलेशन विच इज ग्रेटर देन 2 लाख, सो इतने बड़े एरिया में अगर 2 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, दैट्स फाइन. लेकिन अगर छोटे से एरिया में ग्रेटर देन 2 लाख पॉपुलेशन है, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. सेम वे देखो, ये वाला जो छोटा सा एरिया है, सो एज पर आर स्केल, इफ आई से कि यहाँ पे ग्रेटर देन 50,000 पॉपुलेशन है, तो ये तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गया. इतने बड़े एरिया में अगर 50,000 या उससे ज्यादा पॉपुलेशन है, दैट इज फाइन, वो लेस पॉपुलेशन होगा. सो यहाँ पे हम लोग वही बता रहे हैं कि आप जब कलर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन एरिया जो है वो छोटे बड़े हैं, उसके हिसाब से इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर सेग्रीगेशन, जस्ट बाय प्रोवाइडिंग अ कलर वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि कहाँ पे पॉपुलेशन कम है या ज्यादा है. आपको और बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना पड़ेगा. सो वी सपोज टू रिप्रेजेंट मैप इन सम डिफरेंट वे. द लार्ज यूनिट वुड विजुअली अट्रैक्ट मोर अटेंशन, गिविंग इंप्रेशन दैट मोर पीपल देन द स्मॉल यूनिट्स. नाउ अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, the applied 4-color scheme makes it impossible to infer whether red represents more population area than blue, or it is impossible to instantaneously answer a question like where do most population lives. क्योंकि आप देखो यहाँ पे भी you are using dark color and here also you we are using dark color. बराबर है. सो यहाँ पे आप दोनों लोकेशन पे डार्क यूज कर रहे हैं, यहाँ पे अगेन यू आर यूजिंग लाइट, यहाँ पे वापस डार्क कलर है. सो वेयर विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन वी आर यूजिंग, सो सब जगह पे हम लोग डार्क कलर ही यूज कर रहे हैं. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनकरेक्ट यूज ऑफ कलर्स. देन अगेन एज यू कैन नोटिस हाउ टू मैप क्वांटिटेटिव डेटा, दिस इज अगेन अ बैड एग्जाम्पल. जहां पे हम लोग को क्या बोला है, वी हैव इनहैबिटेंट पर स्क्वायर मीटर. सो देखो ये वाला यहाँ पे आपको क्या बोला है, इन फर्स्ट मैप द वैल्यू टेंस आर आउट ऑफ सीक्वेंस, द यूजर हैज टू गो थ्रू अ क्वाइट सम ट्रबल टू फाइंड आउट वेयर इन अ प्रोविंस द हाई डेंसिटी एरियाज कैन बी फाउंड. व्हाई शुड मिड रेड रिप्रेजेंट एरिया विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी देन अ डार्क रेड. बराबर है. सो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला, ये देखो ये मरून कलर है, ये मरून जो है ये रेड वाले से ये डार्क है ज्यादा. बराबर है. तो ये मरून जो है वो लास्ट में आना चाहिए. जो प्रीवियस मैप जो हम लोगों ने देखा था, ये वाला मैप जो हम लोगों ने देखा था, कहाँ गया, हाँ. सो देखो हम लोगों ने ये वाला जो मैप देखा था, इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, रेड के बाद में मरून कलर था. बट यहां पे क्या हुआ है, इन दिस एग्जाम्पल रेड पहले और मरून बाद में. सो अगर मैं सीक्वेंस देखूंगा, तो सपोज ये ऑफ वाइट है, तो पहले क्या आएगा, ऑफ वाइट आएगा, बिकॉज वो सबसे लाइटेस्ट शेड है. बाद में पिंक आएगा, बाद में रेड आएगा, एंड बाद में डार्क रेड आएगा या मरून आएगा, जो भी आप बोलो. तो ये सीक्वेंस होना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ. बट यहाँ पे क्या हो गया, रेड जो है वो फोर्थ पे आ गया और मरून जो है वो नीचे आ गया. सो आप क्या कर रहे हैं, कलर विच वी आर रिप्रेजेंटिंग, सो रेड से मरून कलर इज मोर डार्कर, सो वी कैन नॉट यूज इट रेड कलर टू रिप्रेजेंट मोर डेंसिटी एंड मरून कलर टू रिप्रेजेंट लेस डेंसिटी देन द रेड. सो ये जो है ये मिस्टेक है,
शेड वाइज मरून नीचे आना चाहिए, गेटिंग? सो दैट इज व्हाट वी आर स्टेटिंग हियर, कि हम लोग क्या बता रहे हैं कि व्हाई वी आर यूजिंग मिड रेड रिप्रेजेंट्स एरिया विद द हायर पॉपुलेशन डेंसिटी देन द डार्क रेड कलर. सो इन द सेकेंड मैप मल्टीपल कलर्स हैव बीन यूज्ड. अब देखो यहाँ पे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सा कलर व्हाई वी आर यूजिंग. यहाँ पे एटलीस्ट शेड यूज किए हुए तो आपको समझ में आ रहा है कि एकदम ऑफ वाइट जो है वहां पे पॉपुलेशन सबसे कम है और जो सबसे डार्क है वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा. सिर्फ देर इज अ डिफरेंस ऑफ रेड एंड मरून, दैट्स डिफरेंट. बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी आर नॉट यूजिंग एनी कलर्स ऑफ द सिमिलर और डिफरेंट शेड्स, वो तो यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना. सो दिस इज टोटली अ रॉन्ग मैप, ठीक है, दिस इज टोटली रॉन्ग मैप. यहाँ पे तो एटलीस्ट हम लोग के पास शेड्स में खाली डिफरेंस हुआ है, बट एटलीस्ट वी कैन इंटरप्रेट दिस मैप, बट दिस मैप इज नॉट पॉसिबल टू इंटरप्रेट. व्हाई वी आर यूजिंग विच कलर वी हैव नो आइडिया. हाउ टू मैप टेरेन एलिवेशन, टेरेन एलिवेशन मतलब कहाँ पे हाइट ज्यादा है. ये देखो ये टेरेन एलिवेशन का मतलब है कि वी हैव हाइटेड एरियाज हियर, जैसे यहाँ पे ये आपका एवरेस्ट है या यहाँ पे ये वॉल्केनो है तो उसका हाइट ज्यादा है. एंड धीरे 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 यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे दिस इज द ग्राउंड एरिया जहाँ से ये ब्राउन एरिया चालू हो रहा है, ब्राउन कलर चालू हो रहा है, मतलब मट्टी का कलर हम लोग बता रहे हैं. देन उसके नीचे अगर हम लोग आएंगे तो ये फॉरेस्ट एरिया चालू हो रहा है, मतलब ये प्रॉपर एकदम फ्लैट ग्राउंड एरियाज है, है ना. दैट इज वॉट वी आर डिफाइनिंग हियर. सो वी हैव डिफरेंट पैटर्न्स हियर. अब देखो ये वाला जो मैप है ये हम लोग अर्थक्वेक पे एपिसेंटर आइडेंटिफाई करने के लिए बताते हैं. नाउ इससे आइडेंटिफाइंग कि कहाँ पे एलिवेशन ज्यादा या कम है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको हम लोग काउंटर मैप बोलते हैं. यहाँ पे थोड़ा पॉसिबल है, यहाँ पे ज्यादा पॉसिबल है, एंड ये 3D व्यू है. यहाँ पे तो बेस्ट पॉसिबिलिटी है, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि कौन से रीजन का हाइट कितना बड़ा या छोटा है. सो दिस इज द डी मैप जो है ये तो बेस्ट एग्जाम्पल है फॉर डिफाइनिंग द एलिवेशन. ओके, सो अभी अगर हम लोग यहाँ पे थियरी में जाए क्या बोला है, वी हैव समथिंग ऑफ टेरेन एलिवेशन. ओके, जहाँ पे क्या बोल रहे हैं कैन बी मैप्ड यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. कॉन्टोर मैप है, बराबर है, लाइंस कनेक्टेड. कॉन्टोर मैप में क्या है, वी हैव दिस लाइंस कनेक्टेड, है ना. यहाँ पे ये जो लाइंस दिया है दिस लाइंस आर कनेक्टेड और वो अलग अलग सर्कल में आप उनको लाइंस बताया और वो जैसे जैसे लाइंस दूर जाएंगे सेंटर पॉइंट से वैसे एलिवेशन कम होते जाएगा. दिस इज द सेंटर पॉइंट. सो ये सेंटर पॉइंट से जैसे जैसे लाइन दूर जाएंगे एलिवेशन कम होते जाएगा, वो हम लोग बताने का ट्राई कर रहे हैं. बट अगेन दैट इज वन विच इज प्रैक्टिकली quite difficult to understand. Then, to visually improve the information contained of such a map, the space between the contour line can be filled with the color. तो अगर ये space between ये line जो है ये अगर हम लोग fill करेंगे, ये देखो इसके बीच में अगर मैं color fill करूंगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा. And this is quite easy to understand compared to first contour map. Okay, so यहाँ पे वही दिया हुआ है. Now filled with the color value information following the convention. For example, green for low elevation and brown for high elevation. This technique is known as, अब ये word आपको याद रखना है for MCQ. This method is known as hipstometric or layer tinting. Now, more advanced अगर आप देखेंगे is the addition of shaded relief. This will improve the impression of the three-dimension relief. The shades relief map uses the full three-dimensional info to create shading effects here. This map represents on a two-dimensional surface. ये देखो, ये जो है, this is 2D map. ये 3D map नहीं है, but it represents color in a such a way it looks like a 3D. बराबर है? So वो ही हम लोग बता रहे. Can also be floated in 3D space to give it a real 3D appearance. So 2D है, but it gives the appearance of the 3D of a virtual world, but it will not always be effective. Certain low appearance object in the map will easily disappear behind other higher object. तो just elevation calculate check करने के लिए हम लोग use कर सकते हैं, लेकिन सारे information या हर एक चीज यहाँ पे possible नहीं रहेगा. Then next is interactive functions are required to manipulate the map in 3D space in order to look at behind some objects. Now this manipulation include panning, zooming, rotating and scaling. So ये जो maps है, ये maps के ऊपर we can zoom this map,
we can rotate this map, we can perform many other functions on this map. So aap har ek side se dekh sakte hain. So scaling is needed particularly along z axis, barabar hai. So as we know, aapke paas three dimensional jo hota hai, to z axis jo hota hai ye front side hota hai, theek hai, this is z, ye top view hota hai y, और साइड व्यू जो होता है ना वो x एक्सिस होता है. सो कोई एक मैप को अगर मैं फ्रंट साइड से अगर देख रहा हूं, सो अगर मुझे ऐसा एवरेस्ट अगर सामने अगर दिख रहा है मैप पे, दैट इज द z एक्सिस जहां से मैं देख रहा हूं और वहां से मैं रोटेट करूंगा. सो यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, z एक्सिस, पर्टिकुलरली अलोंग द z एक्सिस, सिंस सम मैप रिक्वायर्स स्मॉल स्केल एलिवेशन रिजोल्यूशन while other require large scale resolution, that is vertical edge aggregation. One can even imagine that the other geographic 3D objects, for instance built up area of the city and individual houses, have been placed on the top of a terrain model like it is done in Google Earth. Now one can also visualize objects below the surface in a similar way, but this is more difficult because the data to describe underground objects are sparsely available. So यहाँ पे अलग से जो data है वो हम लोगों को easily visible नहीं है. तो हम लोगों ने क्या देखा, पहले contour map देखा, इसके बीच में color किया तो ये वाला map मिला. अब उसको proper visualization देने के लिए हम लोगों ने 2D map को थोड़ा 3D type view दिया, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे objects या information जो है वो hide हो जाएंगे, बराबर है, elevation बताने में. तो हम लोग क्या किया, हम लोगों ने actually ये 3D map ही use किया. तो एक्चुअल 3D मैप जो है उसमें क्या होगा कि आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स है आप उसको हर एक वेज में जूम करके, जूम आउट करके, रोटेट करके वी कैन हैव अ लुक एट इट. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मैप दिस वन, बार ग्राफ के जैसे हम लोग बता रहे. देखो अगेन वी हैव अ क्वांटिटेटिव डेटा विजुअलाइजेशन इन 3D. So, ये आपका 3D मैप है. यहाँ पे हम लोगों ने हर एक स्टेट का हाइट जो है वो चेंज किया हुआ है. सो यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेटा, मतलब कहाँ पे कौन ज्यादा गरीब है, कहाँ पे अमीर लोग ज्यादा है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. सो एज यू कैन सी, सोशियो इकोनॉमिक डेटा कैन ऑल्सो बी व्यूड इन 3D. लाइक फिगर शोज द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन फिगर इन 3 डायमेंशन इंस्टेड ऑफ अ प्रोपोर्शनलाइज साइज सर्कल टू डिपिक्ट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन म्यूनिसिपैलिटी. द प्रोपोर्शनल हाइट ऑफ म्यूनिसिपल नाउ इंडिकेट्स द टोटल पॉपुलेशन. द इमेज क्लियरली शोज दैट द लार्ज कॉलम इन द लो राइट इज बाय फार द हाइएस्ट पॉपुलेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी. सो ये जो है दिस इज द हाइएस्ट पॉपुलेशन. अगेन यहाँ पे हाइएस्ट पॉपुलेशन है, यहाँ पे हाइएस्ट पॉपुलेशन है, हियर वी हैव लेस पॉपुलेशन. तो हाइट जहां पे ज्यादा है वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, हाइट जहां पे कम है वहां पे पॉपुलेशन कम है. सो बहुत सिंपल है 3D मैप जो है ये आपके बहुत ज्यादा जो कलर के ये वो जो तकलीफ थे 2D मैप में जो आते थे वो सारे आपके यहाँ पे सॉल्व हो गए बाय यूजिंग 3D मॉडलिंग फॉर मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्प्लेइंग. देन नेक्स्ट इज हाउ टू मैप टाइम सीरीज. सो यहाँ पे इफ यू नोट ये देखो, सो हम लोग यहाँ पे टाइम सीरीज बता रहे हैं. जैसे नोट वी हैव इन ज्योग्राफी हम लोग ये टाइम सीरीज बता दें, लाइक टाइम सीरीज ऑफ फॉरेस्ट की 90s में फॉरेस्ट कैसा था और अभी कैसा है, ये डिफरेंस बताता है. इफ आई गिव यू वन एग्जाम्पल, जस्ट वन मिनट, आई गिव यू वन एग्जाम्पल. सो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जस्ट वन मिनट.
ओके सो आई विल शेयर विथ यू वन मैप यहाँ पे इफ यू नोटिस एज यू कैन सी वी हैव दिस मैप हियर. अब ये मैप आपको क्या बता रहा है, लैंड यूज एंड फॉरेस्ट यूज जो 1880s में कितना था और 2010 में कितना हो गया, ये आपका टाइम स्केल मैप है. देन सेम वे 1980 में फॉरेस्ट कितना था और 2010 में वो फॉरेस्ट कितना कम हो रहा है. सो दिस इज समथिंग विच इज द स्केलिंग फैक्टर प्रोवाइडेड हियर, दिस इज द स्केलिंग फैक्टर. सेम वे यहाँ पे हम लोग और सर्टन वे में भी बता सकते हैं, लाइक ग्रास बिल्टअप एरिया कितना था, अभी कितना है. अगर चेंजेस बहुत, अगर हाई चेंजेस अगर हुए हैं तो उसका रीजन क्या है. लैंड यूज ट्रेंड कहाँ पे चेंज हुआ है, कहाँ पे ग्रास एरियाज बढ़ रहे हैं, ये सारे पैटर्न जो है वो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं. ये टाइम स्केल हो गया आपका कि 10 साल 50 साल में कहाँ पे कितने चेंजेस हुए हैं ना, वो हम लोग यहाँ पे बताते हैं. सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. ओके सो नाउ विल कंटिन्यू अगेन विथ आर सेम थियरी पार्ट. सो हाउ टू मैप टाइम सीरीज, एज यू कैन सी यहाँ पे आपको क्या बोला, द हैंडलिंग ऑफ टाइम डिपेंडेंट डेटा इज पार्ट ऑफ GIS रूटीन्स लाइक this has been caused by increasing availability of data captured at different periods in time. जैसे अगर हम लोग 10 साल में census calculation होता है तो हम लोग एक map represent करते हैं कि first census calculation जो हुआ था वो 1951 में हुआ था, then 61, 71, 81, 91, then 2001, 2011, then 21. अभी नया census calculation अगर होगा तो 51 से लेके यहाँ तक एवरी ईयर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें क्या चेंजेस आए, हाउस होल्ड इनकम में कितना इंक्रीज हुआ है, पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुआ है, ये टाइम स्केल पे हम लोग डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं. टू एनालाइज द चेंजेस कॉज्ड बाय द रियल वर्ल्ड प्रोसेस सिंगल टाइम स्लाइस डेटा आर नो लार्ज सफिशियंट एंड द विजुअलाइजेशन ऑफ दिस प्रोसेस कैन नॉट बी सपोर्टेड विद ओनली स्टैटिक पेपर मैप. Mapping time means mapping the changes. This may change in a features geometric in its attribute or both. Example of changing geometry like a coastline. जैसे अगर हम लोग बता रहे हैं कि starting में हम लोग का जो coastline था वो छोटा था, धीरे 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 coastline जो है वो बड़ा बनते जा रहा है. Weather में changes आ रहे हैं, जो हम लोग का greenhouse effect हो रहा है, global warming हो रहा है, तो उससे temperature कौन से area में कितना बढ़ते जा रहा है, है ना. लैंड में कहाँ पे चेंज आते जा रहा है, कहाँ पे हम लोग फॉरेस्ट एरिया कट करके और लैंड जो है वो हम लोग यूज करते जा रहे हैं फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज और समथिंग, फॉरेस्ट लैंड्स कैसे कम होते जा रहे हैं, ट्रैफिक जो है वो कैसे बढ़ते जा रहा है, एयर पोल्यूशन कैसे बढ़ते जा रहा है. तो अगर हम लोग यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन का जो फिगर है वो कैसे बढ़ते जा रहा है, दिल्ली एयर पोल्यूशन लास्ट. सो दिल्ली में देखो अगर आप देखेंगे तो एयर पोल्यूशन इज वन ऑफ द मेन फैक्टर है. तो अभी दिल्ली में पोल्यूशन जो है वो कैसे बढ़ते जा रहा है एंड उसका रीजन क्या है, सो हम लोग यहाँ पे उसका भी एग्जांपल देख सकते हैं. न्यूज में आप अगर देखेंगे ना ऐसे आपको मैप्स बहुत बार मिलते हैं. सो एज यू कैन सी वी हैव नंबर ऑफ डेज 2018 में कितने दिन थे जब एयर पॉल्यूशन हाई था, अभी कितने दिन है जब एयर पॉल्यूशन हाई है, ये हम लोग देख सकते हैं. या फिर वी कैन यूज सच डिफरेंट मैप्स कि जो हम लोगों का नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो उसमें क्या चेंजेस आते जा रहे हैं, ईयर वाइज कैसे चेंजेस आ रहे हैं. अगर हम लोग कहीं पे अगर ये देखो यहाँ पे आपको दिए एयर क्वालिटी, तो कहाँ पे एयर क्वालिटी आपका कैसे होते जा रहा है, लाइक यहाँ पे आप देखो डे वाइज आपको दिया हुआ है कि अक्टूबर 7 को एयर पोल्यूशन क्या लेवल पे था, 8 पे, 9, 10, 11, 12. तो जैसे अक्टूबर मंथ बढ़ते गया, ठंडी बढ़ते गया, वैसे आपका एयर क्वालिटी जो है वो और पुअर होते गया. उसके रीजंस क्या है वो हम लोग देख सकते हैं, है ना. सो ऐसे अलग अलग वे में हम लोग टाइम स्केल्स पे मैप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. सेम वे यहाँ पे भी हम लोग बता सकते हैं कि विच मैप्स डू वी हैव, जहाँ पे एयर क्वालिटी जो है वो कैसा है, कम है, ज्यादा है, कौन से टाइम पे कम है या ज्यादा है. यहाँ पे देखो ये हम लोग बता रहे हैं कि एयर क्वालिटी कौन से एरियाज में ज्यादा या कम है. यहाँ पे न्यूमेरिक वे में हम लोगों ने चीजों को रिप्रेजेंट किया हुआ. सो टाइम स्केल के बेस के ऊपर भी हम लोग बता सकते हैं और ये वे में भी हम लोग बता सकते हैं अबाउट द एयर क्वालिटी इंडेक्स.
So last we have is this part, changes of the land parcel owner, land use or change in the road traffic. Urban growth combination कैसे आ रहा है? If maps are to represent events like this, they should be suggestive of the changes. Using symbology to represent the changes, कोई एक arrow हम लोग बता सकते हैं, अलग अलग size हम लोग बताएंगे. Size change can also be applied to other point line symbols to show increase and decrease over the time. Specific point symbols such as crossed sword battle है ना, जहाँ पे अगर जैसे पानीपत है तो हम लोग यहाँ पे battle के बारे में बता रहे हैं. So, अगर मैं यहाँ पे आपको एक मैप बता जहाँ पे बैटल हुआ, बैटल्स इन ब्रिटिश सो वी कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट बैटल्स इन इंडिया. जैसे देखो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो कितने पार्ट में मराठा राज करते थे, देन यहाँ पे प्लासी है, अवध है ना, तो कौन से एरियाज ब्रिटिश के अंडर आ रहे थे, कभी वो ब्रिटिश के अंडर आए, कभी वो फिर ब्रिटिश के पास से गए, दूसरे लोगों के पास आए, सो कहाँ पे किसने अटैक किया, अलग अलग वे में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कहाँ पे किसका राज था, कहाँ पे कैसे हम लोग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना, कहाँ पे कौन से अलग अलग बैटल्स हुए हैं, वो हम लोग ये मैप के थ्रू बता सकते हैं. तो दिस इज वन एग्जांपल. ये देखो ये स्कूल लेवल का मैप है जहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि कौन से लोकेशन पे कौन बेसिकली रहते थे. देन सेम वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे पंजाब एंड सिख, ये सिख किंगडम था और ब्रिटिश इंडिया यहाँ तक था. तो ये देखो यहाँ पे आपको स्वॉर्ड बताया हुआ है, जहाँ पे ये स्वॉर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे एक फाइट हुआ था, देन यहाँ पे स्वॉर्ड बताया है फेब्रुआरी 10, 1845, तो यहाँ पे एक फाइट हुआ था. देन फिरोजपुर है December 21 to 22, दो दिन 1845 में यहाँ पे फाइट हुआ था. तो ये वे में वी कैन यूज और वी कैन गेट द एग्जांपल ऑफ सच थिंग कि जहाँ पे फाइट्स हुए थे. सो दैट इज अगेन वन एग्जांपल. सो यहाँ पे आपको वही बताया कि वी हैव क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स जहाँ पे बैटल बताते हैं, लाइटनिंग है जहाँ पे राइड्स बता सकते हैं. तो ये वे में हम लोग हिस्टोरिकल मैप जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो दैट इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन, डार्क एरिया, लाइट एरिया, ये सब बता सकते हैं. टेम्पोरल कार्टोग्राफिक टेक्निक, सिंगल स्टेटिक मैप, स्पेसिफिक ज्योग्राफिक, लाइक यहाँ पे अगर आप देखेंगे फिगर ए, जहाँ पे हम लोग हर एक एरिया को अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे अलग अलग विजुअल रिप्रेजेंटेशन आया बिल्ट अप एरिया. सीरीज ऑफ स्टेटिक मैप, सीरीज ऑफ स्टेटिक मैप का मतलब है स्टार्टिंग में इतना पॉपुलेशन था, फिर ब्रिटिशर्स का इतना एरिया हो गया, फिर ब्रिटिशर्स ने और एक्सपैंड किया, फिर और एक्सपैंड किया. तो ये वे में हम लोग बता सकते हैं, दिस इज द सीरीज. और एनिमेटेड मैप, एनिमेटेड मैप मतलब जहाँ पे मैं यहाँ पे मैप में एनिमेशन बताऊंगा. ओके, एनिमेशन मैप अगर मैं आपको बताऊं, एनिमेशन मैप ऑफ ब्रिटिश कैप्चर इन इंडिया, जस्ट वन मिनट मैं आपको एनिमेशन मैप बताता हूँ. We can get one map, just one minute. There has to be some animation map. Okay. ओके, एनिमेशन मैप मुझे प्रॉपर नहीं मिल रहा अभी के लिए तो, बट वी डू हैव सच मैप्स जहाँ पे इफ यू नोटिस कि आपको वहाँ पे अलग अलग कैप्चर कैसे होता है वो बताता है. एक सेकेंड ना,
Now, okay, we have this example. Please have a look. So as you can see, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपका ये animation map simple बता रहा है, जहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं कि कौन से areas में कहाँ पे क्या changes हो रहे हैं। ध्यान से देखो। So ये way में हम लोग एक GIF image बना के भी animation बता सकते हैं। जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल इमेजेस जहाँ पे कौन से एरिया में कहाँ पे कभी फाइट हुआ है, ये हम लोग कुछ बता सकते हैं। सो दैट इज द एनिमेशन। और कौन से एरियाज को हम लोगों ने इंडिया में इंटीग्रेट किया था वो हम लोग बता रहे हैं, और कौन से एरियाज डिवाइड होके नए एरियाज बने उसमें से, ये हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। सो दैट इज द एनिमेशन, दिस इज द एग्जाम्पल। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 1953 में आंध्र प्रदेश बना, 1954 में फिर दूसरे बने, 1956 में डायरेक्टली 10 स्टेट आ गए, 1960 में महाराष्ट्र में से गुजरात डिवाइड हो गया, 1961 में दमन दीव आ गया, नागालैंड बना, देन 1966 में पंजाब हिमाचल प्रदेश बना, 1972 में मेघालय अरुणाचल प्रदेश, 1975 में वी एफ सिक्किम, देन 2000 में उत्तरांचल अलग हुआ, देन आपका जो यहाँ पे तेलंगाना अलग हुआ फ्रॉम आंध्र प्रदेश, है ना। सो दिज आर द डिफरेंट पैटर्न्स और दिज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ सच टाइम। या वेरी गुड, जो यहाँ पे बताया है, यस गौरव, वेरी गुड। सो अगेन दिस इज द जी आई एफ मैप, जहाँ पे अगर आप देखेंगे सो वी हैव डिफरेंट एग्जांपल्स कि कैसे कोई चीज जो है कैप्चर हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स हम लोग बता सकते हैं। यस वेरी गुड। सो नाउ विल अगेन गो बैक टू हियर। तो ये सेम हम लोगों ने क्या किया, सेट ऑफ एक जिफ इमेज बनाया हुआ है जहाँ पे मल्टीपल इमेजेस को हम लोगों ने कंबाइन किया हुआ है अलग अलग ड्यूरेशन का। मैप कॉस्मेटिक्स, मैप कॉस्मेटिक्स मतलब मैप को डेकोरेशन देना है, उसको मेकअप करना, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया हुआ है ना। सो यहाँ पे हम लोग नॉर्थ एरो बता रहे हैं, ये टाइटल है, ये स्केल है, ये इमेज है ना, ये सब ये आपका डेकोरेशन हो गया, ये लेजेंड है, ये आपका डेकोरेशन हो गया। सो मैप कॉस्मेटिक का मतलब क्या है, वी हैव अ टाइटल, लेजेंड आएगा एंड सम एडिशनल मार्जिनल इन्फॉर्मेशन। तो ये आपका नॉर्थ एरो है, हमेशा कोई एक मैप पे नॉर्थ एरो आएगा ही, एक लेजेंड आएगा जहाँ पे हम लोगों ने कौन से सिंबल क्या पर्पस के लिए यूज किए है वो हम लोग बताएंगे। देन उसके आगे ये अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया हुआ मैप है तो वो आएगा, या किसके कॉपीराइट्स इस पे है वो आएगा। देन हियर वी हैव अ टाइटल फॉर दिस, बराबर है, और यहाँ पे आपके पास ये स्केल दिया हुआ है 1:8 lakhs, दैट इज द स्केल। एंड देन यहाँ पे ये प्रोजेक्शन टाइप कौन सा है वो बताया हुआ है ना, इमेज मैप यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सो ये सब जो है ये आपके एक मैप को डिटेल में हम लोग पढ़ सके, उसके रेफरेंस के लिए आप जो जो चीजें ऐड करते हैं ये आपका कॉस्मेटिक हो गया, मतलब एक अच्छे वे में मैप को रिप्रेजेंट करना, उसका बेटर रिप्रेजेंटेशन जो आएगा, दैट इज वॉट वी मीन बाय दिस ओवरव्यू ऑफ आर मैप्स। सो मैप dissemination, आपको यहाँ पे क्या बोला था, map design will not only be influenced by the nature of the data to be mapped or the intended audience, but the output medium also play a role. Like currently most maps are represented on screen for a quick view, for an internal representation or for a presentation on the internet, that is www, compared to map on paper and on screen map. तो क्या होगा, वी हैव सम पार्ट और एरियाज विच आर स्मॉलर ऑन मैप, स्मॉलर ऑन पेजेस। या आपके जो पहले आप देखो कि वी हैव बॉर्डर डिस्प्यूट विद डिफरेंट कंट्रीज, एंड वैसा ब्रिटिश टेरिटरी जहां जहां पे था ना, देयर वी हैव अ बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो वो जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उसका एक मेन रीजन जो है वो क्या है कि हम लोग के पास पहले जो मैप हुआ करते थे वो फिजिकल मैप थे, ऑन पेपर मैप थे, उसमें हर एक माइन्यूट डिटेल नहीं थी। बट टुडेज टाइम वी हैव अ डिजिटल मैप जहाँ पे हर एक माइन्यूट डिटेल वी हैव एडेड ऑन दैट मैप। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, व्हेन वी कंपेयर पेपर मैप, बराबर है, विद ऑन स्क्रीन मैप, वी हैव टू बी अ स्मॉलर, देयरफॉर देयर कंटेंट शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड, एंड दिस माइट सीम्स डिसएडवांटेज, बट द प्रेजेंटिंग मैप्स ऑन स्क्रीन ऑफर्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्टरनेटिव्स। Now, on-screen map offers advantage like legends वहाँ पे आएंगे, only needs a mouse click away, आप zoom in करेंगे तो आपको और detailing areas वहाँ पे आ जाएंगे, बराबर है ना, आप कोई एक location पे click करेंगे तो उसका address आपको आ जाएगा, on paper ये सारी चीजें possible नहीं है, links to other than tabular or a map that could be
एंड मल्टीमीडिया लाइक फोटोज आते हैं आपको मैप पे, साउंड आते हैं, वीडियो एनिमेशन आते हैं, कैन बी ऑल्सो इंटीग्रेटेड ऑन द मैप. सम टूडेज इलेक्ट्रॉनिक एटलस्ट जो है वो आपको वो जो मैप है उसके बारे में वीडियोज वहां पे बताते हैं, उसके इमेजेस वहां पे होते हैं, है ना. आपने एटलास देखा रहेगा, स्कूल के जो एटलास रहते हैं, दोज आर द गुड एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ मल्टीमीडिया. लाइक हम लोग अगर ब्रिटिश टेरिटरी अगर बता रहे तो वहां पे हम लोग बताएंगे कि कौन सा फाइट हुआ था, तो वहां पे कौन किंग था या किसने वहां पे फाइट जीता था, उसके फोटो हम लोग वहां पे बता सकते हैं ना. पॉइंट टू अ कंट्री ऑन द वर्ल्ड मैप, स्टार्ट द नेशनल एंथम ऑफ द कंट्री और शो इट्स अ फ्लैग. ये भी हम लोग कर सकते हैं कि जो कंट्री है उसका फ्लैग हम लोग बताएंगे, सो वन कैन इजीली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कौन सा कंट्री है, या फिर जो कंट्री रहेगा उसका नेशनल एंथम हम लोग प्ले करेंगे एज सून एज यू क्लिक देयर. Then we on internet nowadays a common medium used to represent and disseminate spatial data. Map can play their traditional role to show the location of the object or provide insight in the spatial pattern, but because of the nature of the internet, map can only function as an interface to additional information. Now geographical location on the map can link to photo, text, sound, other maps. And perhaps even functions such as online ticket booking आ सकता है, सर्विस बुकिंग आ सकता है. जैसे अगर मैंने इंडिया सॉरी मुंबई टू गोवा का मैंने रूट चेक किया, सो वो रूट के साथ में इट कैन ऑल्सो गिव यू वन एडवर्टाइजमेंट ऑफ मेक माई ट्रिप फ्रॉम वेयर यू कैन बुक अ फ्लाइट और बुक अ ट्रेन बस एनीथिंग. सो मैप्स कैन ऑल्सो बी यूज एज अ प्रीव्यू और अ स्पेशल डेटा प्रोडक्ट टू बी अक्वायर्ड थ्रू a special data clearing house, but that is the part of special data infra. For that purpose we can make use of geo web services which can provide interactive map view as intermediate between data and a web browser. So yahan pe agar aap dekhenge classification of a map, we have two types of map. One is a static map and second is the dynamic map. Static map view only rahenge, but this is more interactive, hai na. एंड ये भी व्यू ओनली रहेंगे, इंटरैक्टिव इंटरफेस जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने की जरूरत है. डायनेमिक मैप मतलब जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, आपका लोकेशन चेंज होगा, वैसे वो मैप भी आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एज पर योर करंट लोकेशन. सो इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इज ऑन वन साइड अ स्टैटिक एंड डायनेमिक. मेनी स्टैटिक मैप्स ऑन द वेब आर व्यू ओनली. ऑर्गेनाइजेशन सच एज मैप लाइब्रेरी और अ टूरिस्ट इन्फो प्रोवाइड्स ऑफर मैप मेक्स देयर मैप्स अवेलेबल इन दिस वे. लाइक अगर मैं सपोज नेशनल पार्क में हूँ, सॉरी इफ आई एम एट एसएल वर्ल्ड या ऐसे कोई अम्यूजमेंट पार्क पे, तो वहाँ के उनके जो स्टैटिक मैप बने हुए हैं, और एल्स अगर हम लोग कहीं पे मॉल में हैं, तो उन्होंने जो आपको स्टैटिक मैप बताया हुआ है कि ओके ऑन फर्स्ट फ्लोर वी हैव दिस शॉप, फूड कोर्ट यहाँ पे है, पीवीआर यहाँ पे है. सो दोज आर फॉर व्यू ओनली फंक्शनैलिटी. दे मे रिप्रेजेंट इंटरैक्टिव व्यू टू द यूजर बाय ऑफरिंग जूम इन, पैनिंग और हाइपरलिंकिंग टू अदर इन्फॉर्मेशन, दैट्स इट. But dynamic maps are about a change in one or more of a special data component. These are the clickable maps. Example of a letter is used to serve as the interface to special. By clicking on the geographic object may lead user to quantitative data. Like मुझे मैप के ऊपर कोई एक पब दिखा, if I click there तो वो पब के फोटोज आएंगे, वहाँ के कोई वीडियोस या साउंड है वो बताएगा, उसका एड्रेस बताएगा, वहाँ के वहाँ पे अगर ऑलरेडी किसी ने अगर विजिट किया हुआ है तो उसकी रिव्यूज क्या है वो मुझे यहाँ पे बता सकता है. अगर वहाँ पे मुझे पहुँचना है, कभी वो ओपन होगा कभी क्लोज होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये सब बताएगा. तो यूजर मे ऑल्सो इंटरैक्टिवली डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ द मैप बाई चूजिंग द डेटा लेयर, इवन द विजुअलाइजेशन पैरामीटर मे बी चेंज. सो ऑन द इंटरनेट सेवरल ऑप्शन प्ले एनिमेशन आर अवेलेबल, सो कॉल्ड GIF इमेज जो अभी हम लोगों ने देखा, जो एनिमेटेड मैप देखा, और ये व्यू ओनली वर्जन रहते हैं ऑफ द डायनेमिक मैप. अ सीक्वेंस ऑफ बिट मैप मतलब नॉर्मल जो इमेज रहते हैं, ईच रिप्रेजेंट्स अ फ्रेम ऑफ एन एनिमेशन आर पोजिशन वन आफ्टर अनदर, जहां पे हम लोग ब्राउजर पे ये कंटिन्यूसली रिपीट एनिमेशन में लूप में चलाते हैं, जिफ इमेज चलाते हैं, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. सो दिस शोज द चेंज ऑफ द वेदर ओवर लास्ट डे, या फिर और कोई चेंजेस हुआ है वो बताते हैं. तो स्लाइटली मोर इंटरेक्टिव वर्जन ऑफ दिस टाइप ऑफ मैप आर दोज टू बी प्लेड by media player, for instance those in the quick time format, video format में या flash wire type है, या कोई plugins के through अगर हम लोग change कर रहे हैं या use कर रहे हैं, है ना, ये सारे आएंगे. So this is the example. Same way
जो वर्चुअल रियलिटी होता है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को अलग अलग मैप्स रिप्रेजेंटेड रहता है ना, और वो काफी बेटर व्यू आपको देते हैं अगर आपने देखा रहेगा तो। वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज यूज करके भी हम लोग ऐसे मैप्स जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी मैप्स। सो वर्चुअल रियलिटी मैप्स अगर हम लोग देखेंगे अंदर वी हैव दिस एग्जाम्पल, जस्ट वन मिनट। I'll just give you one example. Here we have example of this. ये देखो हम लोगों ने वर्चुअल ये कोड किया रहता है, तो आप जब मोबाइल से अगर उसको स्कैन करेंगे उसका मोबाइल ऐप यूज करके या कुछ, तो आपको उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताएगा। ये मैप जो है वो नॉर्मली लगेगा, ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं इसको। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये वे में भी हम लोग देख सकते हैं, आप जब उसको अपने टैब में या कहीं पे देखेंगे आपको उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में रिलेटेड कोई मूवी है, उसका कोई हिस्ट्री है, वो सब आपको यहाँ पे देखेगा। डिटेलिंग 3D व्यू मिलेगा आपको, विच इज अ वे बेटर कंपेयर टू अ नॉर्मल मैप। क्लियर है? सो ये जो है ये आपका वर्चुअल रियालिटी हो गया, आपको मैप के ऊपर ऐसे इंफॉर्मेशन मिलेंगे। ओके, सो ये आपका वर्चुअल रियलिटी है जहां पे रियल में वो मैप के ऊपर हम लोग प्रोग्राम इमेजेस, एक्स्ट्रा इमेजेस डालते हैं। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल रियलिटी, जहां पे कोई एक एरिया में कहां पे क्या चीज है वो हम लोग देख सकते हैं। सो ये आपके VR ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी बेस्ड रहता है। तो आप देखो कि अगर आपने देखा रहेगा गूगल गॉगल्स करके भी चालू हुआ था, एंड फ्यू अदर थिंग्स वी हैव सच मैप्स टू वी है, जहाँ पे क्या होगा कि इफ यू ओपन दिस मैप और उसमें जो ऑब्जेक्ट्स है जो प्लेस है आप फोकस करेंगे तो उसका विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन, उसके रिलेटेड कुछ अगर न्यूज है वो आपको बताएगा। देन आप अगर किसी पर्सन के ऊपर अगर फोकस कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग पे फोकस कर रहे हैं तो वहाँ पे आजू बाजू में कोई शॉप है वो बताएगा। कोई पर्सन के ऊपर अगर आप फोकस कर रहे हैं तो उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो आपको यहाँ पे बताएगा। गेटिंग? ये देखो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ऐसे दिख सकते हैं। ये आपके ये जो है ये ऑगमेंटेड रियलिटी है या वर्चुअल रियलिटी आप बोलो, ये बहुत काम में आता है, हम लोग बहुत लोकेशंस पे इसको यूज करते हैं। दिस इज वेरी हेल्पफुल इन टुडेज टाइम। सो आपको बहुत सारे अलग अलग जो ट्रैवलिंग एप्स जो मिलते हैं ना, ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी हम लोग इसको बोलते हैं, जो अप्लाई करता है और जिससे आप अगर कहीं बाहर घूमने गए हो, सी वी डोंट रिक्वायर्ड एनी ट्रैवल गाइड नाउ, बराबर है, क्योंकि आपके पास ये जो मोबाइल ऐप है वही आपको हर एक प्लेस का डायरेक्ट हिस्ट्री जो है वो बता देगा। ओके, हाँ, सो वी हैव दिस एग्जांपल इज वेल, जैसे चैट में पेस्ट किया हुआ है। या सो दिस इज आल्सो वन एग्जांपल जहां पे हम लोग अगर कोई इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, बराबर है। देन दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल, यस वेरी गुड। सो ये आपका ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया, या वर्चुअल रियलिटी बोलो या ऑगमेंटेड रियलिटी, जहाँ पे हम लोग रियल वर्ल्ड को वर्चुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करते हैं और वहां पे हम लोग सर्टेन इन्फॉर्मेशन बताएंगे। हर किसी का प्रोफाइल, वो अगर फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, तो उससे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। कोई एक कार अगर मुझे पसंद है, आई कैन फोकस माई ऐप ऑन दिस, तो उससे मुझे वो कार का इंफॉर्मेशन वो सब मिल सकता है। सो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे रहेंगे। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो यहाँ पे देखो आपको वैसा ही सिमिलर एग्जांपल दिया हुआ है जो अभी मैंने आपको बताया, इंटीग्रेशन ऑफ मैप्स विद ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी, दोनों जो है वो ऑलमोस्ट सेम वे में ही काम करता है। सो लोकेशन बेस्ड, GPS बेस्ड ऑगमेंटेड रियलिटी रहेंगे, डिजिटल कंपास है, वेलोसिटी मीटर रहेगा, है ना, एक्सेलेरोमीटर है, तो ये सब जो है वो आपको ये सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आर यूनिट 5 एंड हियर वी आर डन विद आर सिलेबस। अब हम लोगों का जो प्रैक्टिकल पार्ट जो है ना वो बचा हुआ है। आर सिलेबस इज डन, दिस इज द लास्ट पार्ट। हम लोग थोड़े कुछ जो MCQs कुछ जो है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, बट हाँ ये जो लास्ट वाला जो हम लोगों ने पार्ट देखा उसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे एक बार कि ऑगमेंटेड मैप्स जो है उसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, उसका पर्पस क्या रहेगा। जस्ट वन मिनट।
ओके सो प्लीज हैव अ लुक एट दिस दैट इज द ऑगमेंटेड रियलिटी कैसे वर्क करता है वो है ओके जस्ट वन मिनट साउंड प्रॉपर नहीं आ रहा है उसमें गिव मी अ मिनट ओके सो नाउ वी हैव अ बेटर एग्जाम्पल एक बार ध्यान से देख लो I know I haven't made a video in a while, but it's because I've been working on a new app and it's finally done. Tind AR browse thousands of local augmented reality developers in your area right in front of you. Swipe right to network with other developers and collaborate on projects. Just kidding. That's fake, obviously. But check out our Discord group to meet other AR developers. Link is down in the description below. Anyway, in my last video, I naively committed to doing a tutorial on placing objects at particular GPS locations. Unfortunately, it doesn't work great. Just know, I really did try because it was one of the most requested videos to do, but it's just really hard to make it reliable. Not to mention, I'm sick of walking around my neighborhood like a psychopath trying to test this thing. To be honest, the objects only show up where they're supposed to about 50% of the time. They do get more accurate the closer you walk to the objects, and it at least works better than that Car Finder app on the App Store. Either way, I think a better, more reliable method of doing GPS-based AR is something more like Pokemon Go, where you walk around, you're a little blip on a map, and when you walk close enough to an object, then the camera opens and it places the object right in front of you, rather than having to worry about placing objects off in the distance, because then, you know, accuracy and reliability becomes a problem. So maybe we can do a tutorial in the future on a more simple implementation like that. Now, I did put the project from the intro up on GitHub, so I'll show you how to set it up and use it later. But I think for now, it'd be more valuable to you guys if we talk through some of the difficulties in doing something like this. Now, I have used Mapbox before, and I know they have a conversions class that has functions for converting GPS coordinates to Unity World coordinates. I thought I could simply pass in the GPS coordinates and they would appear where I wanted them to. Didn't work. Now the objects show up correctly relative to each other, but they were never exactly in the right place. So I did some research and I found that my Unity camera needed to be aligned with true north in order for the objects to show up exactly where they're supposed to. So no problem, I thought. Phones have a compass and I can just rotate the camera's parent transform to north and I'll be set. Sounds good. Doesn't work. Okay, so this worked kinda, but it was not very reliable. A couple days later, I was talking to my friend Andrew, and he was like, dude, there's a setting in ARKit to align the camera with gravity and true north.
Just use that. Oh, okay, awesome. I thought this was it. Again, the results were better, but not great. The problem is, when you're placing objects far away from the camera, if your phone's idea of true north is off even a few degrees, objects in the distance will appear very far away. Then I was talking to my friend Salty about the project, and he was like, why aren't you using the Mapbox WorldScale AR GitHub project? I was like, So I looked into that, and in the description, they talk about how the compass on the phone is too unreliable and was giving them readings plus or minus 15 degrees, which we already know is a huge problem for this type of application. Now, their project uses AR position deltas and GPS position deltas to calculate an angle, which is the offset from the AR camera to true north. So basically, take one GPS reading when the user starts the app and have them walk in a straight line and take another GPS reading. Then, with these two points, you can tell which direction that person was walking, assuming that their camera is pointed in that same direction. They found that this was more accurate than using the compass, and I'm going to trust them because they're the experts. The other issue they try to solve is the drift with ARKit. Tracking is okay inside a small room, but when you're walking outside long distances, AR objects end up drifting far from where they're supposed to be. So if you're into this type of thing, definitely keep an eye on Mapbox. They just acquired Fitness AR, so they seem to be putting a lot more focus on augmented reality as of late. And they also did this amazing AR navigation demo at Unite Austin. They're also continuing to update this WorldScale AR project, so I would definitely keep an eye on that. Anyway, to get that demo I showed in the intro, I basically combined... I ended up combining my own little GPS AR project with the Mapbox WorldScale AR project. So that's what I'm going to show you guys how to use. So the main issue with this app is that sometimes getting a proper alignment is unreliable. Now, when I say alignment, I mean that since Mapbox uses position deltas to calculate heading direction, when you first open the app, you have to make sure a ground plane is detected and then walk in a straight line for a while until it calculates a proper alignment. Only then does the UI show up and the objects are placed. So in this sense, UX design is another hurdle. But in the enhancements of the project on GitHub, they do give an example of placing cubes down in front of a user to walk through in order to ensure a good alignment. So now that you know the limitations of this project, let me show you exactly how to use it. You will ultimately need to create a Mapbox account and a GameSparks account. I used GameSparks just so that I could save GPS coordinates somewhere, because during testing, you'll be restarting and rebuilding the app quite often. Also, this app should work with ARKit and ARCore, so you guys can't beat me up for only doing ARKit stuff. So first off, let's go to GitHub and download this project. Okay, so let's first go to github.com and let's download this repository. I believe it is called Mapbox GPS Head. Yeah, oh, there we go. Mapbox GPS Heading, all one word. And search for that. Okay, Matthew Hallberg, there we go. All right, so first, download this repository. Now, if it wasn't for me adding GameSparks to this, we would have no setup, and it would work right out of the box. But I added that because, honestly, it was going to take an equal amount of time to make, like, a legit local storage server. So rather than messing with that, I just used GameSparks. Okay, so unzip this, and we're going to open it up in Unity. So I open a new project, and I put it on my desktop, so let's just find it. Okay, Mapbox GPS Heading Master, open. Okay, so first go to Project, and then in the Assets folder, we're going to have Automatic World Synchronization. This is the scene we're going to be working with. So go to File Build Settings and switch your platform to Android or iOS, whatever you prefer. Okay, so once this finishes, close out of this, and the first SDK that we're using in this project is the Mapbox SDK, obviously. So go to Google, and we need to get our Mapbox credentials. So go to mapbox.com and create an account if you don't already have one. Okay, so go to see your access tokens and copy this to your clipboard. Go back to Unity. And up here in the toolbar at the top, Mapbox, configure, paste in your access token, and okay, token valid. Very good. Save. Close out of that. Now, the next thing we need to do is get our GameSparks credentials. So go to gamesparks.com and create an account. Again, if you don't already have one, make an account. It's free.
Now, I'd like to do a full tutorial on this eventually. I think this is a great thing to know how to do. But for now, you know, I'm just going to get you guys literally set up so that you can play around with this app. So go up here and do add a new game. So we're going to add a new app. Let's call it, Mapbox GPS test. GPS stuff. And click next. We don't want any currencies, anything like that. Events, we need that. Leaderboards, we don't need. Teams, we don't need. Virtual goods, we don't need. No achievements, no multiplayer, no messages, no downloadables, properties configure. We don't need that either. So basically, we just need cloud code and events. Geo restrictions, don't do any of that. Let's just click create for now. Now, what we're going to be writing things to is, if you notice in the app, there was like a kind of create message button. It's a little message bubble. You click that button, and then you type in a message, and it writes the latitude, longitude, and the whatever text message up to your GameSparks database and saves it there. And it saves it in a collection. So if you go to NoSQL collections, click the plus button. We want to add a runtime collection. It's got to be the same as in our app. So call it GeoMessage, capital G, capital M, and create. Now go to configurator and go to events. We're going to add three events. The three events are loading a message so that when you start the app, it looks, it calls this event and it loads all the messages that are in the database. If you were going to do this, obviously on a large scale, you'd have to only search like a certain radius from where you are, things like that. But we're literally just going to call up to this collection and return all of the results in our database, or in our collection rather. There's also going to be a remove messages event. So that's just, there's an X button on the UI. When you click that X button, it removes all of the events from this collection. And there's going to be a save geo message event, which is what gets called when you click that message button and it writes the latitude, longitude, and text up to this collection. Okay, so first we want to add an event. The short code for this event, first we're going to do load message. So all capital load underscore message. And you have to make sure you're writing this exactly as I am, because I already have the cloud code in a text file in the Unity project. So we're just going to literally copy and paste that. So make sure all these short code names are the same. So name, we're just going to call it load message, description, loads all AR messages, click save. Let's go. This one does not need any attributes, so we're good there. Save and close. So now add another event, and this is going to be remove messages. This is what literally deletes all of the messages from this collection. So remove all caps underscore messages. Again, all caps, we'll just call it remove, deletes all messages from collection. Okay, save and close. And then the final one is going to have attributes. This is what actually writes the stuff to the collection. So this is going to be called save underscore geo underscore message. Save geo message. Saves geo message. Okay, that's it. Attributes, add. So this is going to have three attributes. Like I said, first one is lat. We're going to do all caps. Lat, that is latitude. And that's going to be a string. Default value, just set that to 0. And make this used in script. Let's add another one. This is going to be long. And it's longitude. 0, do the same thing, use in script, okay. And the last one is the actual text message that we want to save, like in that bubble that you saw. So text, this is going to be, just call it message. It's also going to be a string, default value, none. Doesn't matter what you put there, really. And use in script, okay, cool. Save and close. And so we have all three of our events. Now we actually have to add the cloud code that gets executed when these events are called. So go to configurator again and go to cloud code. And let's go to events. So the first one is load message. So let's go back to the Unity project. And I have cloud code.txt. Double click this to open in a text editor.
And we can literally just copy and paste these events here. Okay. Cloud code for inserting entry. Oh, that's not what we want. Oh, we want load message. Okay, cloud code for reading all messages. Perfect. All right, so copy this. Go back to GameSparks. Paste all that in here. This will load all of the messages. See, it gets the collection up here, loops through the collection, returns all the messages as a messages array. Okay, so that's good. So hit, let's see, where's my save button? Why can't I save this? There we go, save. Okay, now go to remove messages, go back, where's my text file? Oh, here we go. Okay, cloud code for dropping messages. Copy those two lines only. And go back to GameSparks and remove message, paste that in, save that. Very good. Now, save geo message. This is the one that we set the attributes on. So go back to here and this one, cloud code for inserting entry. All of these lines here. Copy this. Paste that back in where it needs to go. And as you can see, this is where we are setting. Oh, hope I didn't do anything there. This is where we're setting all of our attributes here, lat, lon, and text. All right, save that. And we should be pretty good to go here, actually. Oh, no, we're not good to go. So we've got everything we need in GameSparks, but we need to go to like the home scene of this project. And now we need to get our credentials. So let's copy the API secret. Go back to Unity, GameSparks, edit settings, secret, paste that in there. Now we need our key, copy that, paste this back into Unity. All right, and yeah, credential device. We're using device authentication here. You have to authenticate with the server in order to save, remove, to execute any events. But what we're doing here is there's a device authentication script somewhere here, right here. So this just uses the unique ID of your device to authenticate with the server. So rather than creating an account, a password, that whole deal, this just uses the unique ID of your device and authorizes it. So it's the easiest way to do this. That way you don't have to worry about, you know, creating UI elements and verifying users, blah, blah, blah. So this is the best way. Now, if we were to click play here, we should be able to authenticate with our GameSparks server. Very good. So we got device authenticated. That means we actually did authenticate with our server. So now we should be good to build this out. Let's go to file, build settings, make sure that we have camera usage descriptions and location usage descriptions in here, so we don't get any errors in Xcode. So camera usage, location usage. There we go. All right, everything looks good. So we should be able to hit build and get a test build up and running. Okay, so while this is building, I forgot to mention one thing. If you go to my GitHub, I do have the other project on there that uses the compass rather than this Mapbox project. So this is what, let me show you something. This is what I used before I integrated my little project with the Mapbox AR project. There should be something on here called, let's see. Okay, Mapbox GPS. This will actually work the same way, uses all of the same like cloud code and everything from GameSparks. So if you want to download and try this repository, this is the one that uses the compass to get the correct camera direction to true north. So if you want to see how that works, it's not terrible. It's just the Mapbox project works a little bit better. So if you want to try that, you can use that.
providing. Okay, so the purpose of discussing this video just to make sure कि आप अपने project में भी ऐसा कुछ एक try कर सकते हैं if you want. कुछ नया लगेगा and it is not that difficult as well. So do try it. अगर आपका ऐसा कोई mobile app या कुछ है जहाँ पे आप ये same updates बता सकते हो. Okay. So अभी we are not left with anything new. Next time जो हम लोग का lecture होगा उसमें I'll be discussing practical part. So practicals ही अभी हम लोग का बचा है. So I'll be discussing only practicals. अभी जो भी lecture हम लोग के होंगे उसमें. If you have any doubts, let me know. I'm there. अभी थोड़े टाइम के लिए will wait. Then I'll share attendance with you. Okay. सर प्रैक्टिकल में लिखना क्या है वही नहीं मालूम. हाँ प्रैक्टिकल्स का है ना एक्चुअली अभी तक कंफ्यूजन था कि फिजिकल एग्जाम हो रहे हैं या ऑनलाइन हो रहे हैं. सो अभी कंफर्मेशन ऑलमोस्ट यही है कि आपके ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है. तो जो लास्ट टाइम आपने कैसे पीडीएफ मैनुअल बना के दिया था ना मैम को, आई थिंक पीडीएफ फाइल बना के ही दिया था ना मैम को. हाँ सर. हाँ तो बस वैसा अभी पीडीएफ फाइल ही होगा फिर और कुछ नहीं है. तो जो जो प्रैक्टिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, मैंने प्रैक्टिकल्स ऑलरेडी शेयर किया है ना अपने फाइल्स में, चेक किया मैंने ऑलरेडी डाल दिए सारे प्रैक्टिकल्स. आप जाके चेक कर लो हम लोगों का जो मीट पे जो हम लोगों का जीएस सब्जेक्ट का फाइल सेक्शन में जाके देखो, मैंने नोट्स और प्रैक्टिकल्स सब कुछ शेयर कर दिया उधर. सो यू विल गेट डिटेल ऑफ एवरीथिंग देयर. मैनुअल ये वो सब वहाँ पे आपको मिल जाएगा जो जो प्रैक्टिकल में ज़रूरी है. एंड आई विल डिस्कस प्रैक्टिकल्स या वो सेम प्रैक्टिकल्स के वो ही आपको जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो यू सपोज टू एक्सप्लेन दोज प्रैक्टिकल्स जो हम लोग के हुए हैं उसमें से. तो वो पैटर्न मैं बताऊंगा आपको. तो आपको खाली वो सेम प्रैक्टिकल्स जो है वो एक्सप्लेन करना रहेगा. आई विल आस्क क्वेश्चन ऑन दैट, दैट्स इट. तो कोई प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट तो करना नहीं है, सिर्फ आपको मुझे वो सेम प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करना है कि ओके दिस स्टेप इज एप्लीकेबल फॉर दिस, ये स्टेप से ये होगा ये होगा ये होगा. एंड आई विल इन जनरल जस्ट आस्क वन और टू वाइवा क्वेश्चंस, मतलब वन और टू नहीं एज पर जितने भी अगर मुझे लगता है. ठीक है, सो दैट्स हाउ पैटर्न गोज. तो फाइनली हम लोग के जो जो प्रैक्टिकल्स अभी हो जाएंगे आगे के जो हम लोग के लेक्चर्स होंगे उसमें वो आपको परफॉर्म करना है, वो बेसिकली उसका आपका पीडीएफ बनेगा. एनी अदर डाउट एनीवन? ठीक है, सो विल जस्ट वेट. प्रैक्टिकल्स के वीडियो आपके YouTube चैनल पे होंगे ना सर? प्रैक्टिकल्स के पहले के वीडियो मैंने डाले हुए हैं. अभी के जो नए प्रैक्टिकल वीडियोस है वो सारे नहीं है, जो मैंने आपको बीच में बताए थे वही. अब अगर फिजिकल एग्जाम अगर होने वाला था तो मैं करने वाला था, लेकिन अभी फिजिकल एग्जाम है नहीं. तो आई जस्ट एक्सप्लेन दोज प्रैक्टिकल्स टू यू एंड आप अपने साइड से फिर ट्राई करो. वहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं, जो आपको रिसोर्सेज लगेंगे वो दिए हुए हैं. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, वो डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा उतना, सिर्फ सिंपल स्टेप्स ही फॉलो करना है. तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है. ओके सर.